हेलो एवरीवन, आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगती है तो हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिए, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए वीडियो बनाना स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, आप हमने ले लिए आधा किलो से थोड़ा सा ज़्यादा कर लिए थे और हल्के हल्के ऊपर से हमने इसके छिलके उतार लिए हैं। बहुत ज़्यादा नहीं उतारे, बहुत से लोग छिलके उतारते हैं, बहुत से नहीं उतारते हैं, लेकिन हमने थोड़े से छिलके इसके उतारते हैं। और देखिए, तो छिलकों को एक साइड में रखेंगे और करेले को पहले हमने धो के अच्छी तरह से साफ़ कर लिए थे, उसके बाद इसके छिलके उतारे थे। और इसको बीच से कट करके और इसके सारे बीज को हम बाहर निकाल लेंगे। आप चम्मच से, चाकू से, हाथ से, जैसे चाहें वैसे निकाल सकते हैं। तो देखिए, ऐसे हमने सारे के बीज कट करके निकाल लेंगे ध्यान से। और सारे हम बीज यहाँ पर निकाल लिए हैं और यहाँ पर बीज और छिलके हमने एक में डाल दिए हैं। और इनका हम एक, इसको हम ग्राइंड करके काफ़ी बारीक कर लेंगे, क्योंकि बीज और छिलके में बहुत सारे खूबियाँ होती हैं। और यहाँ पर हमने ले लिए हैं टमाटर, ये देसी टमाटर हैं, ये खट्टे बहुत होते हैं, पके कम हैं, खट्टे कच्चे पक्के हैं और खट्टे भी होते हैं। तो खट्टेपन के लिए हमने टमाटर और प्याज लिए हैं। यहाँ पर हमने लहसुन और हरी मिर्च ले ली हैं। देखिए, 5 टमाटर लिए हैं, 4 प्याज लिए हैं। ये टमाटर काफ़ी खट्टे होते हैं क्योंकि आम, कच्चे आम है नहीं हमारे पास, तो हमने इसीलिए टमाटर ज़्यादा किए हैं। और इसको हम ग्राइंड कर लेंगे, छिलके और बीजों को ग्राइंड कर लेंगे और उन्हें एक साइड में रखेंगे। और जो करेले का बीज निकाले हुए थे उनको हम एक बर्तन में डाल देंगे और उसमें हम नमक डाल देंगे। 1 बड़ा चम्मच नमक डालेंगे, आप कम कर सकते हैं ज़्यादा। और इनको अच्छी तरह से मिला लेंगे कि ताकि सारे पास से नमक लग जाए। तो सब जगह पर नमक अच्छी तरह से मिल चुकी है। और उसके बाद हम इन्हें ढक के कम से कम 10 से 15 मिनट के लिए रखेंगे। और उसके बाद फिर हम आपको दिखाएंगे 15 मिनट के बाद। तो देखिए, 15 मिनट हो गए थे, बहुत से लोग घंटों रख देते हैं, लेकिन हमें जल्दी बनाना था तो हम इसे 15 मिनट रखे थे। तो देखिए, सारे अच्छी तरह से पानी छोड़ चुके हैं, नमक ने सारे गीले हो गए हैं करेले, और इसमें 2 चम्मच के आसपास पानी भी निकले हुए हैं। तो करेले काफ़ी सॉफ्ट हो गए हैं और जो इससे नमक लगाने से जो इसका एक्स्ट्रा कड़वा था वो निकल गया था। तो आप चाहें तो इन्हें धो सकते हैं पानी से, लेकिन हम धोए नहीं थे। और उसके बाद हम नमक वाले करेले को गरम गरम तेल में फ्राई करेंगे। आपको ऐसा लगता है कि नमक वाला करेले को तेल में डालने से छींटे पड़ेंगे? नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ, छींटे वगैरह कुछ नहीं पड़े थे। और देखिए, हमने तेल काफ़ी गर्म था, उसी में हम करेले को फ्राई कर रहे हैं। और गैस का फ्लेम हम हाई रखेंगे और उसके बाद उसी में फ्राई करेंगे। 4-5 मिनट लग गए थे फ्राई होने में। तो देखिए, इसका कलर काफ़ी चेंज हो गया है। अब इनको हम निकाल लेंगे। करेले कई तरह से बनाए जाते हैं, आपको जो अच्छा लगे उस तरह से बनाइए। मैं हर तरह से बनाती हूँ। आज हम फ्राई वाले करेले बना रहे थे, ये काफ़ी लंबा टाइम तक चल जाता है। तो ऐसे हमने सारे करेले टर्न बाई टर्न डाल के और सारे को हम फ्राई कर लेंगे। फ्राई करने का ये कि होता है कि इसे आप लंबा टाइम तक रख सकते हैं, 10 दिन 15 दिन भी आप फ्रिज में रख के इसे खा सकते हैं, ख़राब नहीं हो सकती है। और जो कच्चे बनाते हैं वो 2 से 3 दिन ही रख सकते हैं, लंबा टाइम नहीं रख सकते। अब उसी तेल में हमने आधा चम्मच जीरा डाल दिए हैं और प्याज, लहसुन, हरी मिर्च जो हमने काफ़ी बारीक चॉप कर लिए थे उनको डाल के इन्हें भून लेंगे अच्छी तरह से। 3-4 मिनट के लिए प्याज को अच्छी तरह से भूनेंगे। और जब अच्छी तरह से प्याज भून जाएगी तो उसके बाद हम इसमें डालेंगे मसाले। तो देखिए, प्याज के पानी जो थे वो सूख चुके हैं और प्याज अच्छी तरह से भुनी हुई है, बहुत ज़्यादा उसे कलर चेंज नहीं किए हैं। तो इसमें मसाले डालेंगे, आधा चम्मच मिर्च डालेंगे, आधा चम्मच हल्दी, आधा चम्मच गरम मसाला डालेंगे, 1.5 चम्मच धनिया पाउडर डालेंगे, 1 चम्मच आमचूर डाल दिए हैं और नमक डाल देंगे। खट्टे टमाटर भी लिए थे तो आमचूर इसी हिसाब से डालेंगे। अगर आपके पास कच्चे आम है तो आप उसका भी, उसको भी ग्राइंड करके आप इसमें 1-2 चम्मच डाल सकते हैं। तो मसालों के साथ भी प्याज को अच्छी तरह से भूनेंगे 1 से 2 मिनट के लिए। तो
देखिए मसाले के साथ भी प्याज भून चुके हैं। अब इसमें हम डाल देंगे टमाटर। टमाटर हमने आपको पहले भी बताए थे कि हरे और थोड़े थोड़े पके थे, खट्टे और ज़्यादा थे। टमाटर को भी हमने ऐसे कद्दूकस कर लिए थे, उनको डाल के और इनको मसाले के साथ अच्छी तरह से भून लेंगे। देखिए मसालों को भूनते हुए 3-4 मिनट हो गए थे, मसाले भून चुके हैं। अब जो करेले के बीज और छिलके थे उसको भी हम ग्राइंड किए थे, उनको भी इसमें डाल देंगे। बहुत से लोग इसे फेंक देते हैं बीज के, लेकिन बीज और छिलके में खाना चाहिए, अच्छा होता है। बीज की भी बहुत सारी दवाइयाँ वगैरह बनती हैं, तो इसे फेंकने के बजाय आप इसे ग्राइंड करके डालिए, क्योंकि खड़े बीज बच्चे हों या बड़े हों सबको नहीं पसंद आती है। तो ग्राइंड करके डालेंगे तो पता नहीं लगेगी और खा भी लेंगे। तो यहाँ पर देखिए मसाले बिल्कुल तैयार हो चुके हैं, एक प्लेट में निकाल के रख देंगे। और यहाँ पर मसाले भी ठंडे हो चुके हैं, करेले भी ठंडे हो गए हैं। अब उसके बाद एक करेले उठाएंगे और इनमें अच्छी तरह से भर देंगे। आप चाहे चम्मच से भर सकते हैं, हाथ से भर सकते हैं, जिससे आपको इजी लगे उस तरह से आप भर लीजिए। तो आप क्योंकि करेले भी फ्राई किए हैं हमने, मसाले भी अच्छी तरह से भुने हैं, तो अगर आपको पसंद है तो आप आगे का प्रोसीजर करिए, वरना आप ऐसे खा सकते हैं। लेकिन थोड़ा सा इसे और भी हम पकाएंगे। तो देखिए हमने यहाँ पर सारे ऐसे भर के तैयार कर लेंगे करेले, जितने करेले और मसाले थे। तो मसाले हमने ज़्यादा बना लिए थे, मसाले थोड़े बच भी गए थे। तो देखिए आप हमने यहाँ पर सारे करेले भर के तैयार कर लिए हैं, सारे रेडी। आप चाहें तो ऐसे ही किसी एयर टाइट डब्बे में रख के फ्रिज में रख सकते हैं, और जब आपका खाने का मन करे तो आप थोड़ी सी तवे पर तेल डाल के इसे गर्म करके खा सकते हैं। और हमने यहाँ पर एक फ्राई पैन में 2 चम्मच तेल डाले थे, तेल बहुत ज़्यादा नहीं यहाँ पर डाले थे, क्योंकि करेले ऑलरेडी फ्राई किए हुए हैं, मसाले भुने हुए हैं। तो इनमें सारे करेले को डाल के और गैस का फ्लेम मीडियम कर देंगे, और इन्हें 3-4 मिनट के लिए इन्हें डाल देंगे और टर्न बाई टर्न इन्हें पलट देंगे। तो देखिए कलर भी कितना अच्छा हो गया है, और भी थोड़ी सी क्रंची हो गई है। और ये मसालों के साथ है, करेले पकी है तो ये अंदर तक जाके पकी हुई है, तो इससे थोड़ा सा और भी टेस्टी लगता है। तो सारे ऐसे बना के रेडी कर लेंगे और इंजॉय करिए लंबे टाइम तक। और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आप इसे दाल चावल के साथ, परोठियों के साथ इंजॉय कर सकते हैं। आप सफ़र में हैं तो वहाँ पर भी ले जा सकते हैं, क्योंकि गर्मियाँ भी बहुत है, ये चीज़ें ख़राब नहीं होती।